so much for inviting me over here at Qasim Ali Shah Foundation. First of all, my name is Ahsan Naseer and working as a social media strategist for 5 years. बिल्कुल ऐसा है. पाकिस्तान के अंदर आपको पता है बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि मार्केट में आगे हुए हैं. मतलब कहने मैट्रिक किया होता है, इंटर किया होता है और वो कहते हैं कि जी हम सोशल मीडिया पेजेस को हैंडल कर सकते हैं. पॉसिबिलिटीज़ तो होती हैं लेकिन जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होती है ना उसमें वो लैक कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ को हैंडल करते हुए कैंपेन ऑप्टिमाइज करनी होती हैं. तो उनके लिए ज़रा थोड़ा एज सच डिफ़िकल्ट टास्क होता है, लेकिन हैंडल कर लेते हैं. हैंडलिंग और शेयरिंग में ज़रा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन जो प्रोफेशनल हैंडलिंग होती है उसके आप ज़रा थोड़ा सा एक अलग ही बात होती है. देखें, सोशल मीडिया के लिए ना बेसिकली सबसे पहले आपको नॉलेज थोड़ा होना चाहिए कि आपने एक कंपनी को अगर ब्रांड करना है ना ओवर फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब के ऊपर, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ये होनी चाहिए, ब्रांडिंग सेंस होनी चाहिए कि वो उसके ज़रा थोड़ा सा ब्रांड की स्टडी कर ले और उसकी स्ट्रैटेजीज बना लेते हैं. स्ट्रैटेजीज में ये चीज़ आती है कि आपको पूरे कंपनी, अब ज़ाहिर है एक अगर फर्ज करें, एक अगर आप बेकरी की एग्जांपल ले लें, उसके प्रोडक्ट्स का आप एनालिसिस कर लेते हैं और प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने का थोड़ा सा ज़रा एक मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपकी क्रिएटिव सेंस होनी चाहिए. क्रिएटिव सेंस के लिए कि प्रोडक्ट को आपने एडवर्टाइज़ कैसे करना है और वो जो टारगेट ऑडियंस है उसको आपने कैसे इसमें इन्वॉल्व करना है, क्योंकि देखें सोशल मीडिया इज़ ऑल अबाउट द रीच एंड एंगेजमेंट्स. अब रीच तो हो जाती है, आइदर अगर आपने क्रिएटिव ऐसा बनाना है कि जिसमें आपको एंगेजमेंट भी मिले, तो इस चीज़ के लिए ना ज़रा थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है कि क्रिएटिव बनाने से पहले थोड़ी सी क्रिएटिव को आपने ज़रा एक कहते हैं ना कि जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपने ये चीज़ देख लेनी है कि उसको आपने बनाने से पहले आपने जिस टारगेट ऑडियंस में शूट करना है वो क्या सोच रहे होंगे जब ये क्रिएटिव वो देख रहे होंगे. क्रिएटिव में कंटेंट हम लेते हैं, कंटेंट में आपको पता है दो चीज़ें हैं, या तो इमेज बेस्ड कंटेंट है या वीडियो बेस्ड है या टेक्स्ट बेस्ड है, कुछ भी है. तो उनके लिए ज़रा थोड़ी सी जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जिस तरह मैट्रिक के बच्चे हैं, इंटर के बच्चे हैं, ग्रेजुएशन के बच्चे होते हैं, जो कि प्रोफेशनली हैंडलिंग को मतलब लेना चाहते हैं, सारे कंपनीज को, ब्रांड को अपने क्लाइंट के तौर पर लेते हैं, तो उनको ये चीज़ें पहले सोचनी चाहिए कि पहले आप क्रिएटिव देखें, क्रिएटिव को सेंस करें. क्रिएटिव को सेंस करने के बाद आपके पास दो तीन चीज़ें होती हैं जिसमें कंटेंट की स्ट्रैटेजीज आपने बिल्डअप करनी होती हैं. अब फर्ज करें अगर फेसबुक पे आप एक दिन में दो पोस्ट कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे आप एक दिन में दो पोस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपने एक चीज़ ये देखनी है कि इंगेजमेंट्स कितनी हैं. आपने सिर्फ अपने टारगेट ऑडियंस को देखना होता है कि आप आइदर 18 to 24 के अंदर डील कर रहे हैं, ये एजेस होती हैं, या आप 25 to 34 के अंदर डील कर रहे हैं, आपका ब्रांड पॉपुलर किस एजेस के अंदर है, तो आपने उन एजेस के अंदर रहते हुए अपने कंटेंट को ड्राफ्ट करना होता है. देखें, सिस्टम्स की तो इक्विपमेंट की तो बात वो तो जनरल है, आपको पता है कि क्रिएटिव्स बनाने का सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर डॉ फोटोशॉप होता है, इलस्ट्रेटर होता है, फिर उसके बाद दूसरी तरह का जो कंटेंट है, वीडियो एडिटिंग का है, उसके बाद प्रीमियर आ जाता है, प्रीमियर प्रो आ जाता है, उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स आ जाता है. तो ये वाले सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, इस पर बच्चे को थोड़ा सा कमांड होनी चाहिए. ठीक है, जो डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट आजकल बन रहे होते हैं, जो कैंपेन ऑप्टिमाइजर्स बन रहे होते हैं, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब है, अगर आप इस पर वीडियो थंबनेल्स भी लगा रहे हैं या अगर आप उसमें इंस्टाग्राम की भी स्टोरी हाईलाइट करें, तो डिफरेंट तरह के साइजेस हैं, या ग्रिड स्टाइल पे जा रहे हैं इंस्टाग्राम के, या टाइलिंग पे जा रहे हैं, कोई भी कैरेसल्स बना रहे हैं, या अगर आप कैनवा एड बना रहे हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ें, तो उसके अंदर साइजिंग है प्रॉपर. तो बच्चों को अगर साइज, अब जिस तरह हम ये कहते हैं कि कैरेसल कैंपेन्स होती हैं उसके 1080x1080 पिक्सल्स होते हैं, तो उसकी चीज़ों को ड्राफ्ट करने के लिए आपको सबसे पहले डिज़ाइनिंग सेंस होनी चाहिए. डिज़ाइनिंग सेंस के लिए आपको सॉफ्टवेयर पर कमांड होनी चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे. ठीक है, उसमें ये चीज़ है, क्योंकि डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट आजकल नॉर्मली ये समझते हैं कि हमें डिज़ाइनिंग सेंस नहीं आनी चाहिए, वो तो डिज़ाइनर ने हमें बना के दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता. आपने जब काम करवाना है तो आपको जब काम नहीं पता होगा तो आपको कैसे वो काम आएगा, क्योंकि आपने जब साइजिंग देनी होती है, आपने साइजिंग देने के बाद उनको सारी चीज़ें बतानी हैं, जो भी बेशक बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल एमएनसीज जो भी हैं,
इसमें आपके पास डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट अलहदा होते हैं, वो तो चले एक आपकी बात अलहदा है, लेकिन जब आपने बींग एन एंटरप्रेन्योर आपने स्टार्टिंग के अंदर जब आपके पास फंड्स कम हैं, जब आपके पास कैश रोटेट कम हो रहा है, तो सारे काम तो आपने खुद करने हैं। तो जब आपके पास डिज़ाइनिंग के एडॉप फोटोशॉप की स्किल्स नहीं होंगे, जब आपके पास प्रीमियर के स्किल्स नहीं होंगे, तो हाउ कैन यू सर्वाइव फॉर योर ब्रांड। तो उसमें ये चीज़ है कि ब्रांड सर्वाइवल करने के लिए आपको सबसे पहले ये सारे काम खुद करने पड़ते हैं बींग एन एंटरप्रेन्योर। फिर आगे से जब आप सारे कंटेंट को ड्राफ्ट करते हैं, फिर एक आपके पास आती है, जिसमें आती है आपके पास ऐड की स्ट्रेटजीज, वो एक्सपर्टीज हैं बेसिकली इधर सोशल मीडिया की, कि जो एड्स की स्ट्रेटजीज हैं कि आपने किस किस्म के ऐड पे जाना है ताकि आपकी सेल्स हो सकें। देखिए सोशल मीडिया का असल मकसद क्या है, ब्रांड अवेयरनेस भी है, रीच भी है, प्लस सेल्स को भी करता है, क्योंकि जब हम ATL और BTL के अक्सर वो चीज़ों को मैकेनिज़म्स को देखते हैं ना, तो TTL ये जो आपका सोशल मीडिया वगैरह ये दोनों के काम कर रहा है, रीच भी दिलवा रहा है और आपको क्वांटिफाइबल सेल्स भी दिलवा रहा है और न्यू कस्टमर्स पे भी काम करता है। तो उसमें ये चीज़ है कि बच्चों को इसकी एक पूरी रिसर्च डेवलप करनी चाहिए कि सबसे पहले अगर हमने ये करना है, काम तो बहुत आसान है, मतलब थोड़ी देर की लर्निंग है और काम सीखें। यहाँ पे तो बच्चों को आदत है ना, बस कूद पड़ो मैदान में बगैर किसी नॉलेज के, काम खुद ब खुद आ जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा होता भी है, लेकिन कच्चे खिलाड़ी बन जाते हैं। वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा ये है कि अगर पहले आप सारी चीज़ों को सीख लें, तो सीखने के बाद आजकल तो बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे बन गए जो इस तरह की ट्रेनिंग्स देते हैं कि बच्चा आए, बच्चा पढ़े और सारी चीज़ों को सीखे। हम भी इस तरह की ट्रेनिंग्स पे काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है आगे जितनी भी यूथ है उनको डेवलप करने में आगे काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। देखें इसमें सबसे पहले ना एक मार्केटिंग स्किल्स आती हैं। जब आपने अपने प्रोडक्ट को, अब देखें आपने एक प्रोडक्ट बना लिया है, प्रोडक्ट इज़ दैट कि यू आर सेलिंग योर डिजिटल सर्विसेज, राइट। अब उसमें ये चीज़ है कि आपने अब इसको मार्केट करना है। अब अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपने मार्केट भी इसको खुद करना है। आप ही स्ट्रेटजिस्ट हैं, आप ही डिज़ाइनर हैं, आप ही वीडियो एडिटर हैं, आपने ही वॉइस ओवर्स करने, आपने ही TVCs बनानी है और आपने ही बाद में एडिट करना है। स्टार्टिंग के अंदर एक साथ रिसोर्स आप एज अ हेल्पिंग हैंड रख लेते हैं, क्योंकि कंपनी जब स्टार्ट होती है तो कंपनी के स्टार्ट करने में आपको पता है कि जो मुश्किलात का सामना आजकल करना पड़ता है। तो एक क्लाइंट को लेने के लिए आपने सबसे पहले इसकी सेल पिच तैयार करनी होती है। आप जाते हैं क्लाइंट पे, फर्स्ट करें एक आप किसी भी गारमेंट्स ब्रांड के पास चले गए। मैं गारमेंट्स की बात इसलिए कर रहा हूँ, लाहौर में गारमेंट्स ब्रांड बहुत है। तो आप जब गारमेंट्स ब्रांड की बात करते हैं तो गारमेंट्स ब्रांड के पास जाके आप उनको ये बताते हैं कि हम आपका प्रोडक्ट शूट करेंगे। प्रोडक्ट शूट क्या होता है? प्रोडक्ट शूट ये होता है कि जिसमें आप तमाम प्रोडक्ट्स को उनके एडवर्टाइज करने से पहले बेहतरीन सी उनकी पिक्चर्स ले लेते हैं, HD पिक्चर्स लेते हैं। HD पिक्चर्स को जब आप क्रिएटिव्स में एडिट करते हैं ना, मतलब उनके डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, डिफरेंट साइजेस होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो खूबसूरत से उनके क्रिएटिव्स बन जाते हैं जिनको इमेजेस में आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। और अगर आपने वहाँ पे TVC भी बनाना है तो आप एक वीडियो शूट ले लें, एक अच्छा सा शॉट कैप्चर करें वहाँ पे। अगर आपने किसी मॉडल को भी इंट्रोड्यूस करना है तो उसके अंदर मॉडल भी यूज़ कर लें, या एक बेहतरीन सा उनका आप पैकेज तैयार कर लेते हैं जिसके अंदर उनकी एक वीडियो हाईलाइट भी बन जाती है। तो सबसे पहले आप पिच ये करते हैं कि हम यूनिक से वे में आपका पूरा प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे। प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के बाद देखिए सबसे पहले एक चीज़ है, बेचने की तरफ फ़ौरन ना आ जाएं। सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करें आपका ब्रांड कैसा चल रहा है। ब्रांड चलने के बाद आप उनके जो फिगर्स होते हैं, उनके एनालिसिस होते हैं, जो उनके स्टैट्स होते हैं सेल्स, उनको मैयर करते हैं। क्योंकि जब तक आप ये रिसर्च नहीं करेंगे ना, आपको नहीं पता होगा वो ब्रांड चल कैसा है। हो सकता है वो इतनी सेल दे रहा हो, उनको डिजिटल की ज़रूरत ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो जो आपकी सेल पिच है वो हिटबैक कर जाएगी, फ़ायदा ही नहीं होगा, आपका उधर जाने का मकसद नहीं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई भी क्लाइंट ऐसा जो कि डिजिटल पे नहीं है तो उसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव डेवलप नहीं होता आजकल हमारी नज़र में। क्योंकि नॉर्मली देखते हैं जब भी किसी ब्रांड पे जाते हैं तो आप चेक इन करने की सोचते हैं, चेक इन करने के बाद आप ये देखते हैं अच्छा यार ये सोशल मीडिया पे नहीं है, ओके फाइन दिस इज़ नॉट अ ब्रांड। तो हमारा आजकल ये परसेप्शन बन गया है, ये ग्लोबल परसेप्शन बच्चों का भी बन गया है। बेशक उन्हें पता नहीं है फेसबुक के ऊपर ये ब्रांडिंग की कैसे जाती है, लेकिन अगर आप किसी रेस्टोरेंट में डाइनिंग भी करने जाते हैं ना या टेक अवे भी करने जाते हैं,
तो आप चेक इन लाजमी करते हैं, तो चेक इन से आपको पता लगता है अच्छा यार ये ब्रांड भी ठीक है, इसका भी है। अब अक्सर हम कभी किसी बर्गर या शवामास वाला का चेक इन देखते हैं ना, तो हम कहते हैं यार वाह बड़ी बात है, बड़ा इन्होंने डिजिटल कर लिया अपने आप को। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब आप प्रोडक्ट शूट उनका और उनके सेल पिच का बताने से पहले उनकी आप पहले पूरी एक रिसर्च कर लेते हैं कि सेल कितनी हो रही है, ऑनलाइन कैपेसिटी पे आते हैं। अब देखिए सोशल मीडिया के साथ आपको इसकी डिजिटल हेल्प भी मिलती है, जिसमें आप वेबसाइट डेवलपमेंट भी इनकी कर देते हैं। अब वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर भी आप अगर ई कॉम बना देते हैं तो प्रोडक्ट्स को आप उधर भी एडवर्टाइज कर देते हैं, तो वो ई कॉमर्स का ये चीज़ होती है कि आप प्रोडक्ट ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं। इस तरह दराज एंड ऑल बड़ी सी वेबसाइट्स आजकल हैं। तो उसमें ये चीज़ है कि जब आप पिच कर रहे होते हैं तो क्लाइंट का सबसे पहले आप देख लें कि उनका टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, कि वो किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपके साथ चलना चाह रहे हैं। जैसे ही आपको पता लग जाता है फिर आप अपनी सेल पिच में, हाँ कहीं भी अगर उनको इशू आ रहा हो चीज़ों में, तो फिर आप उसके अंदर अपनी प्रोडक्ट को लिख के आते हैं कि सर ये काम मैं आपको करके दूंगा तो आप हमारी सर्विसेज करें। नॉर्मली जो आजकल बच्चे एक प्रॉब्लम कह रहे हैं, वो अपने डिजिटल के जो सर्विसेज के रेट्स हैं उन्होंने बहुत हाई किए हुए हैं। जो आजकल सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आया हुआ है वो उसमें ये चीज़ है कि अगर आप तकरीबन हैंडलिंग चार्जेस ही सिर्फ ले रहे हैं 20 से 25 हज़ार, दैट इज़ टू मच फॉर द ब्रांड, क्योंकि ब्रांड ने हैंडलिंग चार्जेस भी अगर आपको पर मंथ देने हैं तो पर मंथ उन्होंने फेसबुक को भी तो एड्स के लिए पे करना है, इंस्टा को भी तो पे करना है, लाइक दीज सिनेरियोस। तो उसमें ये चीज़ है कि अगर आप अपने हैंडलिंग चार्जेस कम रखेंगे तो आपको बेहतर क्लाइंट्स मिलते जाएंगे और आपके साथ ज़्यादा देर सस्टेन करेंगे। ऐसा नहीं होगा वो 2 महीने काम करवाएंगे आप रिजल्ट नहीं दे सकेंगे, रिजल्ट देने के बाद वो कहेंगे यार ये 20-25 मुझे बर्डन लग रहा है, सबसे पहले ये तो काम करो। क्योंकि आपको पता है आजकल इकॉनमी के हालात, प्लस दूसरी ये चीज़ें हैं कि लोग सोचते हैं कि ये चीज़ें बर्डन अगर हम 20-25 दे रहे हैं तो इन हाउस कोई 15,000 का डिज़ाइनर रख के उससे भी ये काम करवा सकते हैं। या आजकल बड़े लोगों का माइंडसेट बन गया है कि नहीं इन हाउस टीम रख लें या आउटसोर्स कर लें कोई इस तरह का। तो सबसे पहले आपने जो सर्विसेज देनी है ना, वो चीज़ ये देनी है कि लॉन्ग लास्टिंग सर्विसेज हो या उनको सिखा दें, साथ साथ ट्रेन भी करते जाएं, वो भी फ़ायदा है। तो सर्विसेज में आपकी यूनिकनेस होनी चाहिए कि आप कोई ऐसा काम उनको एज इन फ्री, तो आपको पता है सर्विसेज नहीं होती, लेकिन फिर भी ये चीज़ होती है कि आप उनको ये बताते हैं कि ये चीज़ के अंदर मैं आपको करके दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, या आपकी पिच होती है, सेल्स पिच होती है जिसके अंदर आप कर लेते हैं। तो बात वहीं आती है कि जहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर ने पूरी स्किल सीखनी होती है तो साथ मार्केटिंग स्किल भी सीखता है, एंड द मार्केटिंग इज़ वेरी टफ जॉब। आपको पता है सेल्स का काम करना पड़ता है और क्लाइंट टू क्लाइंट मूव करना पड़ता है, और एक क्लाइंट का पर्सपेक्टिव अगर देख लें आपका लो लेवल क्लाइंट है, फिर उसके बाद हाई लेवल क्लाइंट है, फिर मिड लेवल क्लाइंट होता है, तो काफ़ी डिफरेंस आता है आपकी सेल्स पिच में। लेकिन ये भी ज़ाहिर सीखना पड़ता है, तो सीखे बगैर तो ये चीज़ें नहीं आएंगी ना, अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे तो फिर आपको पता है मुश्किलात आएंगी। देखें जी, जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में था, मैंने वहाँ से मतलब डिजिटल स्ट्रेटजिस्ट डिपार्टमेंट जब रिज़ाइन किया तो माइंड में एक बस सेटअप बनाने का था कि कैसे सेटअप हो जिसमें हम स्किल्स पे काम कर सकें। इलाफ सॉल्यूशंस बनाया, इलाफ सॉल्यूशंस पे हम डिफरेंट तरह के कोर्सेज पे काम कर रहे हैं, जिस तरह ऑटोकैड है, डिज़ाइनिंग का कोर्स है, वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स है, टूरिज्म मैनेजमेंट का कोर्स है, इस तरह की बेतहाशा कोर्सेज हैं जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उस पर खसूसन काम कर रहे हैं। तो उसमें ये चीज़ है कि इस तरह के जो कोर्सेज हैं उसमें हम बच्चों को शॉर्ट हैंड लर्निंग जो है उनकी तरफ लेके प्रोफेशनल स्किल्स की तरफ उनके डिवेलप कर रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग्स बच्चों के लिए ज़रूरी क्यों है वो भी आपको बताया कि किस लिए ज़रूरी है, और ये व्यूअर्स को भी पता है कि ये ज़रूरी क्यों है। क्योंकि आप देखें जब बच्चे को स्किल्स नहीं पता होंगे तो वो मार्केट में आपको पता है नाकाम हो जाएगा। स्किल्स होना इम्पॉर्टेंट है, और स्किल्स हम आपको पता है विद इन द डेज सिखा देते हैं, और विद इन डेज आपको पता है कि बच्चा इक्विप्ड हो जाता है, इन चीज़ों को चलाने के काबिल हो जाता है। ये जो सारा मैकेनिज्म मैंने आपको बताया सोशल मीडिया मार्केटिंग, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर ये सारा एक ही चीज़ आती है, हम उसमें ब्रांड डेवलपमेंट की कैपेसिटी पे इसको ले जाते हैं। अगर कोई बच्चा चाहता है मैंने जी शुरू से लेकर आखिर तक सीखना है, तो उसके लिए हमने ब्रांड डेवलपमेंट को हाईलाइट किया है कि आपने अगर ब्रांड बनाना है तो आके हम आपको एंटरप्रेन्योरल स्किल्स सिखाते हैं थोड़े से, फिर उसके बाद आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाते हैं, फिर उसके बाद वीडियो एडिटिंग, फिर वीडियो एडिटिंग के बाद आपको सोशल मीडिया, फिर उसके बाद वेब डेवलपमेंट। तो ये 5 कोर्सेज का
ब्रांड डेवलपमेंट का भी एक प्रोडक्ट है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उसमें, हाउसवाइफ की कैंपेन्स हैं उसमें, हम मेकअप के भी कोर्सेज हैं. मकसद ये था इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का कि एटलीस्ट कोई भी ऐसा एक अदारा हो जहाँ पे बच्चा आके अपने ग्लोबल स्किल्स सीख रहा हो, चाहे वो आपके पास डिजिटल के हैं, चाहे वो आपके पास डिज़ाइनिंग के हैं, चाहे वो आपके पास क्रिकेट के हैं. अब आगे इंशाल्लाह सून स्पोर्ट्स के भी स्किल्स स्टार्ट कर देंगे, तो उसमें ज़रा आपको पता है थोड़ा सा हेल्दी माइंड रहता है बच्चों का कि जैसे वो स्पोर्ट्स करते हैं. आजकल तो बड़ा बच्चों ने खेलना कम कर दिया है. देखिए आपने टिकटॉक देखा होगा, टिकटॉक तो आजकल इतने बेतहाशा यहाँ पे व्लॉगर्स आ गए हैं, इतने बेतहाशा यूट्यूबर्स आ गए हैं. तो मेरा मशवरा ये होगा कि हम यूट्यूब की भी देते हैं ट्रेनिंग, यूट्यूबर्स की भी देते हैं, व्लॉगर्स बनेंगे, कंटेंट बहुत अच्छा बनाने लग गए हैं, हर चीज़ एक्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा होता है. और मैं तो काफ़ी इंस्पायर हूँ बच्चों से, टिकटॉक देखता रहता हूँ और देखता हूँ कि यार बड़ी बात है कि कॉन्टेंट निकलना शुरू हो गया. लेकिन मसला कहाँ पे आ रहा है, मसला ये आ रहा है कॉपीड है कंटेंट. मतलब आप वही गानों पे, वही सॉन्ग्स पे, वही मेलोडी पे आप पूरा एक्ट करते हैं. तो कोशिश ये करें कि अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाएं, क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट के अंदर ही आपकी पहचान है. यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क. मैं मतलब एज इन पूरी नेशन के जितने भी लोग टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, स्क्रिप्ट बना रहे हैं, हर चीज़ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ना, मतलब कैमरे के साथ आप देखें प्रॉपर एक एक्ट के लिए स्पेस बनाते हैं, स्पेस बनाने के बाद अपने स्किल्स को दिखाते हैं. चाहे बेशक जितनी यंग यूथ है हमारी इन कामों पे लगी हुई है, और बड़ी मज़े की बात है कि बहुत सारे लोगों में ये चीज़ें वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू जा रही हैं. टिकटॉक मीटअप्स हो रहे हैं, यूट्यूबर मीटअप्स हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें बड़ा एक अच्छा फील हो रहा है कि नहीं यार बड़ी बात है. लेकिन थोड़े से ट्रैक की ज़रूरत है. उस ट्रैक में यह है कि कॉपीड कंटेंट की तरफ ना जाएं, कोशिश करें कि अपना यूनिक आइडिया को थ्रो करें, और यूनिक आइडिया के साथ अवॉइड करें ज़रा ये बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड ऑल ये वो इस तरह की चीज़ें जो है ना. ये आप आएँ यूट्यूब की तरफ, आएँ टिकटॉक पे ना करें, क्योंकि टिकटॉक पे तो आप फॉलोशिप लेके आ रहे हैं, ठीक है, फैंस लेके आ रहे हैं, सारी चीज़ें. आप यूट्यूब पे आएँ, यूट्यूब पे आके आप अपनी वीडियोज़ को अच्छी तरह मोनेटाइज करें. मोनेटाइज करने के बाद आपको फ़ायदा भी ज़ाहिर होता रहेगा. 1000 सब्सक्राइबर्स की गेम होती है, और उसमें पता है आपको कि जब आपका वॉच टाइम 2,40,000 मिनट्स हो जाता है, फिर उसके बाद आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाता है. लेकिन उसके अंदर यूट्यूब पे आने से पहले आपको अपने कंटेंट को ओरिजिनल करना होगा. ओरिजिनल का मतलब ये है वॉइस ओवर भी आपने खुद करना है, उठाना किसी का कंटेंट नहीं है आपने, कहीं से कॉपी नहीं करना. तो ये टिकटॉक पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अगर इसका 10% भी यूट्यूब पे कन्वर्ट होता है ना, तो आप देखें कि मुल्क के जितने भी बच्चे हैं वो यूट्यूब व्लॉगर्स तो बन जाएंगे, उनको स्टोरी भी अपनी बनानी आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता स्क्रिप्ट पे भी काम करना शुरू कर देंगे. तो सिर्फ एक ट्रेनिंग का छोटा सा पार्ट है, 8-10 दिन की ट्रेनिंग का, तो वो फिर उसके बाद इस पर शिफ्ट हो जाएंगे. क्योंकि आपने देखा है बहुत सारे ऐसे टिकटॉक निकल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ निकल रही हैं जिसमें बच्चे कमाल का एक्ट करते हैं. और मैं बड़ी एक बात है कि अगर आप 1-1.5 साल के अंदर देखें ना, तो यूट्यूब व्लॉगर्स ही आपको हर तरफ से नजर आएंगे. इतनी स्पीड से काम चल रहा है, और इसके अंदर बहुत से सीरियस कंटेंट राइटर्स का कमाल है. जिस तरह आपके पास बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए. आप देखें बड़े बड़ा टाइम लगता है, जिस तरह जायद अली है, जिस तरह युहानू है, आपके पास मोरू भी है, जुनेजो है, इन लोगों ने बड़ा बड़ा काम किया. और सल्यूट है इन लोगों पर, जी इन लोगों ने बड़े टाइम लगा के चीज़ों को, कंटेंट को प्रोड्यूस किया. तो देखिए बात यह है कि जब आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, या यूट्यूब चैनल चलाना है, या आपने व्लॉगर बनना है, कुछ भी बनना है, तो बात आके गिरती है कंटेंट के ऊपर. कंटेंट शुड बी वेरी जेन्युइन, HD फॉर्म में होना चाहिए, प्लस आपका अपना कंटेंट होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है. इसके लिए आपको पता है इक्विपमेंट आपके अपने होने चाहिए, चाहे आप कैमरा ले लें, चाहे आप वॉइस ओवर के लिए कोई भी इक्विपमेंट ले लें, डिज़ाइनिंग स्किल्स आपके पास होने चाहिए. तो ये सारी चीज़ें करके आप एक अच्छे से प्लेटफॉर्म को रन कर सकते हैं.